ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? चारकोजन फैमिली कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड चारकोजन फैमिली? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रुप 16 जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, दे आर फाउंड विद अर्थ क्रस्ट। जो हमारे पास अर्थ के अंदर जो हमारे पास ओर्स मिलते हैं, वो मेटल्स मिलते हैं, उनके ओर्स के साथ क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम आयरन की बात करते हैं, आप भी जानते हो आयरन के जो ओर्स होते हैं, आयरन का हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, आयरन पायरेट हो गया, उनके अंदर देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं। एज अ इम्प्योरिटीज दे आर फाउंड विद द ओर्स ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, यानी आयरन की जो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड चारकोजन फैमिली। यानी दोज, जस्ट सिंपल सी भाषा में की कही जाए तो बेटा, ऐसे मेंबर्स, ऐसे ग्रुप मेंबर्स जो किसी भी ओर के साथ अपने फॉर्म्स को, जो अपने क्या करते हैं ओर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर नोन एज चारकोजन फैमिली। और जब हम चारकोजन फैमिली की बात करते हैं तो उनके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? दैट आर उस से टे पो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम और लास्ट 116 UUH अनहेक्सियम। ठीक है बेटा, और जब हम इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, 8 ऐड कर देते, तो 16। फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, इसके अंदर 18 ऐड कर देते, 34। फिर दोबारा से 18 ऐड करते हैं, फिर 52। और नेक्स्ट वाले में 32 ऐड करते हैं तो 84। और इस वाले में भी 32 ऐड करते हैं तो 116। इस टाइप से तो यहाँ पे बेटा जो ऑर्बिटल की चेंजेस होती है वो होती है 8। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं 8, देखो इसके अंदर 8 का चेंज हुआ, फिर दोबारा से इसके अंदर 18, 8, 8, 18, 32 एंड नेक्स्ट 32। इस टाइप से ऑर्बिटल्स की चेंजेस होती है। तो इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो होती है 1s2, 2s2, 2p4। नेक्स्ट सल्फर की 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो हम बात करते हैं इसके अंदर, ये यहाँ से लेके हमारे पास क्या होती है, नियोन होता है। ठीक है बेटा, और नियोन के लिए हम क्या लिख देते हैं, नियोन लिख देते हैं एटोमिक नंबर इसका 9 और 3s2, 3p, सॉरी नियोन एटोमिक नंबर 10, 3s2, 3p4। इस टाइप से बेटा, हाँ जी बेटा। और देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ वैलेंस शेल को लेते हैं, जो हमारे पास क्या होती है, 2s एंड 2p। कौन सी बेटा, जब बात करते हैं 2s एंड 2p, इसके अंदर 3s एंड 3p, इसके अंदर ऐसे ही बेटा 4s 4p हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np4। साफ साफ देखिए बेटा, इस 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 4, ऐसे 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 4। तो दैट्स वाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np4 की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज की, जनरल प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली आती है बेटा एटॉमिक। हाँ जी बेटा बताइए, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज। बिल्कुल सही, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, और मॉडिफाई करते बेटा, ध्यान सुनना, मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन बता रहा हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। और देखिए बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करते हैं, या हम बात करते हैं एटॉमिक साइज, जितना छोटा साइज होगा उसके बीच में उतनी अट्रैक्शन होगी। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है तो अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, इजी। तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके बेटा,
जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, तो मुझे बताइए क्या इफेक्ट होता है, किसकी सबसे ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की होगी ऑक्सीजन की होगी, यानी एंथैल्पी? नाइट्रोजन, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर बेटा साफ साफ देख रहे हो पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं और जो सिमेट्रिकल होते हैं, एंड सिमेट्री प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इसलिए आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इसी वजह से ठीक है बेटा होने के बावजूद भी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं बेटा, ऑक्सीजन से जब फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन का साइज छोटा जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो इस टाइप से आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की कम होती है, फिर फ्लोरीन की इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं बेटा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, देखो स्मॉलर द साइज, ध्यान सुनिए, स्मॉलर साइज हाइयर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा उसको उनकी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन की यानी शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस ग्रुप में सबसे छोटा साइज होगा, सारे खोल स्क्रीनशॉट ले और मेरे पास सेंड कर। भारती बेटा माइक ऑफ कर लीजिए जब ऐसी बात करनी हो तो, ठीक है बेटा। तो जब हम छोटी बात करते हैं तो सबसे छोटा साइज जो होता है वो ऑक्सीजन का, सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का है, इसलिए बेटा इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अमंग्स द ग्रुप। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सेकेंड नंबर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है वो ऑक्सीजन आती है बेटा, ये चीज याद रखना, ठीक है बेटा। आप देखिए, हाँ जी बेटा, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, हाँ जी बेटा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, इसलिए बेटा मेटलिक करेक्टर डाउन के अंदर बेटा करेक्टर, इनके अंदर बहुत रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, जब UUH है बेटा ये भी हमारे पास क्या आता है, मेटल होता है, बट अभी तक जो हम बात करते हैं UUH हम लिखते नहीं है, क्योंकि इसका एटम प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं किया गया और डिस्कवर्ड भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए जब बात करते हैं तो हमारे पास जो डाउन द ग्रुप होता है मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप भी जानते हो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, एटॉमिक साइज एंड मोलर मास पे, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है बोथ, इसीलिए बेटा बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड मोलर मास, हेंस ग्रेटर, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट इसके अंदर ये एक्सेप्शन आ जाता है पोलोनियम के अंदर बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि जब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3D ओ सॉरी 6D एंड 5F ऑर्बिटल्स, ओ सॉरी 5D एंड 4F ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों पुअर शील्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है इसका, और वैन डेर वाल्स रेडियस डिक्रीज कर गया तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज कर गया, इसलिए पोलोनियम की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है as compared to tellurium, ठीक है बेटा, due to inert pair effect or poor shielding effect caused by d and f orbitals, हाँ जी बेटा। next electron gain enthalpy की बात करते हैं, last हम यहीं पे थे बेटा, जब हम बात करते हैं electron gain enthalpy, out of oxygen and sulfur which one has more negative electron gain enthalpy, और ये मैंने आपको बताया था बेटा sulfur की electron gain enthalpy क्या होती है, more negative होती है, क्यों,
क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं सल्फर के, जब हम सल्फर में ऐड करेंगे तो सल्फर में थर्ड शेल में ऐड किया जाता है, और जबकि ऑक्सीजन के अंदर सेकंड शेल के अंदर ऐड करते हैं, और सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होती है, और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ध्यान सुना बेटा, सेकंड शेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज की वजह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी उसको रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी यूज होगी बेटा उतना ही वो लेस नेगेटिव होता है, और जब एटॉमिक साइज क्या होता है, बिगर होता है। इसी वजह से बेटा सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिपल्शन लेस होता है, और रिपल्शन लेस क्यों है, क्योंकि इसका लार्जर साइज होता है। ठीक है बेटा, और हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, एक्सप्लेन। क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं, जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन करता है तो ये पहले से प्रेजेंट सेकंड शेल के अंदर पहले से प्रेजेंट चार इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी वैसे ही यूज होगी बहुत ज्यादा, और जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो पहले से प्रेजेंट पांच इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, और मोर एंड मोर एनर्जी क्या होगी, यूज अप हो जाएगी, और जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी और मोर पॉजिटिव हो जाएगी ऑक्सीजन की। अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीज बेटा हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एनोमलस प्रॉपर्टीज या बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसकी एनेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसी वजह से बेटा ये क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा। देखिए बेटा, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, आप भी जानते हैं बेटा इनकी ग्रुप की जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, साफ साफ देखिए, ये ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ जी बेटा, ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। यहाँ पे देखिए सल्फर को भी दो चाहिए, इस टाइप से सिलिनियम को भी दो चाहिए, इसलिए बेटा इस ग्रुप की जो वैलेंसी होती है, ग्रुप वैलेंसी कितनी होती है, टू होती है। और जब हम बात करते हैं बेटा जाओ डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हम भी जानते हैं बेटा डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, तो गेन करने की टेंडेंसी हमारी डिक्रीज कर जाती है बेटा, बट ध्यान सुनना, गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है या ज्यादा होती है, गेन करने की कम हो जाती है, और लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है। इसलिए ग्रुप में एक ऑक्सीजन ऐसा अकेला होता है जो शो करता है माइनस टू, और बाकी देखिए ऑक्सीजन की माइनस टू होती है, बट इन केस ऑफ H2O2 ये माइनस वन शो करता है, और OF2 के केस में प्लस शो करता है, प्लस टू शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो प्लस टू आती है बेटा, और जबकि अदर एलिमेंट्स क्या करते हैं, प्लस सिक्स शो करते हैं, प्लस टू शो करते हैं, प्लस फोर भी शो करते हैं। अब मुझे बताइए आउट ऑफ प्लस सिक्स प्लस ग्रुप विच स्टेट स्टेबल, हाँ जी बेटा बताइए आप प्लस टू में से, और सॉरी प्लस में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ज्यादा स्टेबल होती है, प्लस हम बात करते हैं, देखो डाउन द ग्रुप आवाज नहीं आई आपकी बेटा, पूछा जाए आंसर नहीं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर देना बेटा, टाइम के ऑक्सीडेशन जब होता है अपना माइक करते तो उसमें साउंड, वैसे क्या होता है कि जो वीडियो बनती है हमारी साउंड होती है वो बहुत खराब हो जाती है बेटा। ठीक है, इसलिए कि आपसे पूछा जाए तभी आप माइक ऑन करना, अदरवाइज अपना माइक ऑफ। तो जब
जब हम बात करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप, जब हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन, प्लस फोर क्या होती है बेटा, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन, बेटा मैंने थोड़ी देर पहले कहा माइक ऑफ कर देना जब आपको कोई अपनी पर्सनल चैट करते हैं, बेटा दूसरों को सुनाने की क्या जरूरत है। बेटा आप लोगों को बात समझ में आती है या नहीं आती है, आप लोग इस माइक को ऑफ करेंगे आपको, या फिर मैं क्लास लीव करता हूं आज के लिए, खत्म करते हैं, जब आप लोग समझ जाओगे इस चीज को तभी। चेतना का ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो फिर मैं चेतना का ऑन कर देते हैं यार, आप म्यूट कर दो यार, मैं म्यूट कर देता बट मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर रखा है ना, तो इसलिए इसी वजह से नहीं कर पाता मैं। लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा मुझे लगता है। देखिए बेटा डाउन द ग्रुप जब हम बात करते हैं, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन प्लस सिक्स, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज्ड बाय फुली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा ये फुली फिल्ड होते हैं, ये क्या करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कर देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं बेटा, देखिए यहाँ डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गया तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट करेगा, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यहाँ से, चार। यहाँ पे भी इनर्ट इफेक्ट करेगा तो यहाँ से चार निकाल सकते हैं, बट इसको तोड़ने पे ये छह इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है इसको भी, बट यहाँ पे देखिए ये 4fb और 5db ये दोनों के दोनों बेटा क्या करते हैं इनर्ट पेयर करते हैं, तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ पोलोनियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू प्लस सिक्स। ठीक है बेटा, प्लस फोर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू प्लस सिक्स, इसलिए हम कहते हैं बेटा डाउन द ग्रुप हम जब बात करते हैं प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन प्लस सिक्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज्ड बाय फुली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा इसकी सेकेंड रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखिए बेटा जब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करते हैं, they forms hydrides of H2E type। देखिए बेटा कैसे, जब हम बात करते हैं आप भी जानते हैं ग्रुप वैलेंसी इनकी कौन सी होती है, ग्रुप वैलेंसी इनके लिए आती है प्लस, इनके लिए ग्रुप वैलेंसी टू होती है, और इन एलिमेंट्स को मैं E से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैंने इसको टू से रिप्रेजेंट कर दिया, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है वन होती है, और आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 16 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए इसलिए हाइड्रोजन को पहले लिखा जाता है और ग्रुप 16 वालों को बाद में लिखा जाता है, इसलिए 1 और ये 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं H2E, ये हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट्स हो गए। तो इसी वजह से बेटा ये कौन कौन से बनाते हैं, देखिए बेटा, और देखिए जब हम बात करते हैं इनके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं दैट आर लुईस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेटा हाइड्राइड्स दैट आर कॉल्ड, हाँ जी बेटा उन्हें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस बेस, दे आर कॉल्ड लुईस बेस, उनको लुईस बेस कहा जाता है, ये लिखा हुआ है बेटा लुईस बेस कहते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, और किस टाइप से बनते हैं देखिए H2O टाइप, H2S, H2SE, H2TE। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की, जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इस टाइप से बॉन्ड की, ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड की, ऑक्सीजन और सिलेनियम बॉन्ड की, तो मुझे बताइए विच बॉन्ड इज मोर स्टेबल इन, से सबसे बात करते हैं H2TE की, तो मुझे बताइए इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा होगा, इसलिए जब हम बात करते हैं बेटा छोटा कटायन छोटे एनायन को क्या करता है स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है, इसी वजह से OH
जो हमारे पास OH है किसके अंदर, H2O के अंदर, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, H2O की, फिर उसके बाद H2S की, फिर उसके बाद H2SE की, फिर H2TE की। ठीक है बेटा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सिंपल आप वर्ड्स में कह सकते हैं बेटा, स्मॉलर कटायन, जो स्मॉलर कटायन होता है, ये स्मॉलर एनायन को, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, स्मॉलर एनायन को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है बेटा, और बिगर कटायन बिगर एनायन को। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड एंगल। जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बेटा, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा रिपल्स वो बॉन्ड एंगल किसका होगा इन दोनों में से, बस इन दोनों की बता दीजिए कि इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बेटा। नहीं आता तो मेरे को बता दीजिए, फिर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे H2O ज्यादा होगा। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। अब मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्यों बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन के अंदर इस टाइप से दो बॉन्ड बनते हैं। आप देखिए, आप समझ रहे हो बेटा, ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड एंगल। अब दूसरी बात करते हैं, ये हमारे पास स्पेस मेरे पास थोड़ा सा बचा नहीं, अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है बेटा, अब ये सल्फर है, अब इस सल्फर के दो बॉन्ड दिखा देते हैं बेटा। देखो बेटा, आप साफ साफ देख रहे हो एटॉमिक साइज, देख रहे हो बेटा, इसका ऑक्सीजन का छोटा, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास, अब देखिए पर मैं बॉन्ड एंगल, आप इसको पास भी ले तो रिपल्शन कम होगी, ठीक है बेटा, बॉन्ड एंगल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होता है, ध्यान से सुनना, उतना ही रिपल्शन कम होती चली जाती है, और जितनी रिपल्शन कम होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। तो इस केस में बेटा, सबसे कम बॉन्ड एंगल जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो इसी वजह से हम जब इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, टेलिनियम का होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप ऊपर की तरफ जाते बेटा, तो रिपल्शन ज्यादा होगी, और इसी वजह से बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होता चला जाएगा। और H2O का आप भी जानते हैं बेटा, H2O के अंदर आपकी जो शेप होती है वो बैंड शेप हो जाती है। कौन सी शेप होती है इसके H2O के अंदर, बैंड शेप होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इसी वजह से रिपल्शन कम हो गई, और सिलेनियम में और एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, रिपल्शन और कम हो जाती है, इसलिए ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द सेंट्रल एटम कॉजेस लेस रिपल्शन, इसलिए लेस रिपल्शन होती है, एज वेल एज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी वजह से बेटा डाउन द ग्रुप एटॉमिक जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है हमारे लिए बेटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसिडिक कैरेक्टर। तो मुझे बताइए इन तीनों में से, या हम इन चारों में से बात करते हैं, कौन सबसे जल्दी हाइड्रोजन को लूज कर जाएगा। हाइड्रोजन को वो जल्दी लूज करेगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी सबसे कम, किसकी है, टेलिनियम की। इसलिए सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, एक सेकंड गिव मी अ सेकंड बेटा, स्क्रीन शेयर दोबारा कर देते हैं हम। हाँ जी बेटा, आ गई अब स्क्रीन। यस सर, यस सर। ओके बेटा, अब देखिए ध्यान से सुनना बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा, ये देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन सिलेनियम, हाइड्रोजन टिलेनियम। अब देखिए बेटा, ये जो टिलेनियम है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इसकी सबसे ज्यादा है, तो इजीली टूट जाएगी, और जितनी जल्दी टूटेगी उतनी जल्दी ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को लूज करता है वो उतना जल्दी क्या होता है, उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। इसलिए बेटा टिलेनियम हमारे पास मोर एसिडिक इन नेचर है। तो हम यही बात बताते हैं बेटा, ग्रुप 16 जो एलिमेंट्स होते हैं वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, एज दे हैव दे डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड रिलीज एच पॉजिटिव आयन। और आप भी जानते हो एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज, जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है, यानी के ए की वैल्यू होती है, बॉन्ड
डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हम बात करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू करते हैं, वो डिक्रीज जो डाउन द ग्रुप होते हैं बॉन्डिशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या करती है, वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। और जितनी ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई होगी उतना ज्यादा वो क्या हो जाता है बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो इसलिए सबसे कम एसिडिक कौन सा होता है, H2O, और H2TE सबसे ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर। और रिड्यूसिंग नेचर का मतलब भी वही होता है बेटा, जो जितनी जल्दी क्या कर दे, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दे, रिलीज H पॉजिटिव, H यानी हाइड्रोजन को सबसे जल्दी रिलीज कर दे। और आप भी यहां तो हाइड्रोजन को सबसे जल्दी रिलीज कौन कर देगा, टीलेनियम, तो इसके लिए भी सेम ऑर्डर मेंशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए बेटा, जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आप भी जानते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड पे, उसके बाद डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया के ऊपर। और देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके बाद H2TE, क्योंकि इसमें कौन सा रीजन आ गया, सरफेस एरिया वाला रीजन आ गया, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है, टेलेनियम का, फिर सिलेनियम का, और डाउन द ग्रुप क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है, वो इंक्रीज करता रहता है। तो सबसे ज्यादा किसका, टेलेनियम, फिर सिलेनियम, और फिर सल्फर। CBSE 2012 का क्वेश्चन, H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल H2S इज गैस। जो H2S होते हैं वो गैस होते हैं, एक्सप्लेन करना, क्योंकि आप जानते हैं बेटा H2O के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो किस स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा या लिक्विड स्टेट में होगा। और जबकि H2S में कौन सा होता है बेटा, वैंडर वाल होता है। तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में है और ये क्या है, गैसेस स्टेट में होता है। हाँ जी बेटा, इसमें कोई, हाँ जी बेटा, नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, इसके जो हैलाइड्स होते हैं बेटा, जितने भी हम बात करते हैं, जो ये हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, जब बात करते हैं बेटा ग्रुप 16 के एलिमेंट जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद हैलोजन। और आप भी जानते हैं हैलोजन कौन कौन से होते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे हैलोजन्स होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं, ये ऑल आर कोवलेंट इन नेचर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ठीक है बेटा, आप बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, आप भी जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 भी हो सकती है और इसकी 1 भी हो सकती है इन केस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाता है, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, जैसे OF2, O2F2 भी बनाता है बेटा, ये Cl2O, Cl2O5 एंड Cl2O7, इस टाइप से बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा हैलाइड्स ऑफ सल्फर, सिलेनियम एंड टीलेनियम। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, और मोस्टली ये दो टाइप्स के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास बनाता है बेटा, जैसे एलिमेंट की बात करते हैं, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स F4 एंड EX6 टाइप, इस दो टाइप्स के हैलाइड्स की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है ये। ओके बेटा, तो EX4 का हमने कह दिया SF4 हो गया और SF6। ये बेटा SF4 की बात करते हैं, तो SF4 की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका शेप कैसे होता है, सीसो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। और SF6 की जब बात करते हैं बेटा, तो इसकी शेप कैसी होती है, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। हां जी बेटा, आउट ऑफ SF6 एंड SF4 विच वन इज मोर स्टेबल। हां जी बेटा, आउट ऑफ बेटा आवाज मेरे को दोबारा से रिपीट कर, क्या होती है आउट ऑफ SF4 एंड SF6 व्हिच वन इज मोर स्टेबल। SF6 मोर स्टेबल होता है बेटा। SF4 से, बिकॉज
जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं इसके साथ सराउंडेड होते हैं बेटा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल होता है. बिकॉज इन SF6 सिक्स फ्लोरीन एटम सराउंड्स द सल्फर एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द सल्फर एटम. ये सल्फर को क्या करता है बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है. इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये मोर स्टेबल होता है बेटा. इसमें किसी को डाउट? हाँ जी बेटा बताइए, इसमें किसी को डाउट? हाँ जी क्लास सर. हाँ जी बताइए. डाउट नहीं. ओके बेटा, फिर हम आगे शुरू करते हैं बेटा. ये आज के लिए इतना काफी है, जल्दी बताइए. आज के लिए इतना काफी है. ठीक है बेटा, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको रीड कर लेना और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसमें हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करेंगे और उसके बाद हम करेंगे बेटा कुछ कंपाउंड्स करेंगे, किसके, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर. से कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इस ग्रुप को खत्म करने की कोशिश करते हैं या फिर इसे दो क्लासेस में और खत्म कर लेंगे. टिल देन बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा.